नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी AYC। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो के V15 Pro की, जो कि आज लॉन्च हो गया है इंडिया में। हम उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में फर्स्ट लुक और फर्स्ट इम्प्रेशन भी आपको दिखाएंगे और आपको इस वीडियो में देंगे फुल रिव्यू और डिटेल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, प्लीज़ नीचे रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को दबाना मत भूलो। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। कमेंट करके हमको ये बताना आपको वीवो का V15 Pro का फर्स्ट लुक कैसा लगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, आपको वीवो का V15 Pro का बॉक्स आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है, जहां पर लिखा होता है वीवो का V15 Pro। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और आपको इसमें 6 GB रैम प्लस 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आता है। इसकी साइड में और कुछ भी नहीं लिखा है और पीछे में लिखा है इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है और साथ में इसमें आपको स्नैपड्रैगन 675 का देखने को मिल जाता है। चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। इस बॉक्स को ओपन करते ही आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है। आप सभी को पता होता है इस बॉक्स में आपको एक केस देखने को मिल जाता है, जो कि हर कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है अभी भी तो, पर इसमें आपको केस देखने को मिल जाता है और आपको एक सिम अडेप्टर टूल भी देखने को मिल जाती है और आपको एक मैनुअल गाइड देखने को मिल जाती है और एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। इन सब को रखते हैं साइड पर और चलते हैं केस की तरफ। आपको इसमें केस थोड़ा सा हार्ड देखने को मिल जाता है, पर सेफ केस है, जो कि वीवो के V15 Pro ने अभी निकाला है। केस तो बढ़िया है। चलिए इस केस को भी रखते हैं साइड में और चलते हैं अपने फ़ोन की तरफ। फ़ोन को निकालते हैं। ये हमारा वीवो का V15 Pro। चलिए इसको रैपर को उतार देते हैं। रैपर को उतारने के बाद आपको वीवो का V15 Pro का लुक, फर्स्ट लुक आपको इसी तरह से देखने को मिल जाता है। आपको फ्रंट में कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आपको पॉपअप कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आपको वीवो नेक्सा में भी देखने को मिला था, उसमें भी आपको पॉपअप कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलता है। और बैक कवर की बात करें, पीछे आपको 3 ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाते हैं और आपको एक LED फ्लैश देखने को मिल जाती है और आपको एक वीवो की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में। और इस फ़ोन को भी रखते हैं साइड में और चलते हैं बॉक्स के अंदर। आपको और क्या देखने को मिल जाता है? इसमें आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि 18 वोल्ट का चार्जर, बहुत अच्छा चार्जर है। और इसमें आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाती है, टाइप सी केबल देखने को नहीं मिलती। और इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, जो कि एप्पल की कॉपी की तरह होता है हेडफोन। इसको भी हम रखते हैं साइड में और चलते हैं अपने फ़ोन को बूट करके देखते हैं इसका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा है। फ़ोन को स्टार्ट करते ही आपको इसमें फुल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत बढ़िया बात लग रही है, जो कि वीवो के नेक्सा फ़ोन में देखी जा रही थी, पर अभी वीवो के V15 Pro में भी आपको ये देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा बात है। हम पीछे की बात करें, पीछे में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है विद फ्लैश के साथ और आपको एक वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अब इसके डिस्प्ले की बात करें, इसमें आपको 6.3 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है सुपर एलमोड डिस्प्ले के साथ। अब इसके प्रोसेसर की बात करें, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 675 का स्नैपड्रैगन देखने को मिल जाता है और 6 GB रैम प्लस 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है। अब इसके OS की बात करें, इसमें आपको एंड्रॉयड 9.1 का पाए का वर्जन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत लेटेस्ट अपडेट है। अब इसके सेल्फी कैमरे की बात करें, सेल्फी कैमरा आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, वो भी पॉप अप कैमरे के साथ। और बैक कैमरे की बात करें, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 48 MP प्लस 8 MP प्लस 5 MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाते हैं। आपको कुछ सैंपल शॉट लिए हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होता है, वीवो के कैमरे बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जैसे कि आप इसके पिक भी देख सकते हैं, जो कि 48 MP से लिया है मैंने, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के पिक्स निकली। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें आपको 3700 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बस इतना ही था वीवो के V15 Pro के बारे में। आगे और रिव्यू लेकर आएंगे और कंपेरिजन भी करेंगे और दूसरे फ़ोनों के साथ वीवो V15 उन सब के आगे ठहरता है कि नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।